नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। दिनेश कार्तिक कप्तानी से हटाए गए हैं या फिर उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ी है, दोनों अलग सवाल है और दोनों के मायने भी अलग निकलते हैं। पर इन दोनों ही सवालों का जवाब इयान मॉर्गन ने दे दिया है। मॉर्गन ने खुद कहा है कि दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी है, उनसे कप्तानी ली नहीं गई है। अब क्यों दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी, इसका भी जवाब ओयन मॉर्गन ने दिया है। ओयन मॉर्गन ने टॉस के वक्त खुलासा किया कि दिनेश कार्तिक अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने केकेआर के लिए आगे कप्तानी ना करने का फैसला किया। दिनेश कार्तिक के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि वो कितने हिम्मती इंसान और प्लेयर हैं और हमेशा खुद से पहले अपनी टीम को रखते हैं। जाहिर सी बात है कि अब से मैं कप्तान हूँ, उप कप्तान नहीं, तो टीम के खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाकर टूर्नामेंट को आगे ले जाऊंगा। उम्मीद है कि इस सीजन हमारी टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी। गौरतलब है कि एक ट्वीट में केकेआर की तरफ से लिखा गया है कि दिनेश कार्तिक और ओयन मॉर्गन ने साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है और अब कप्तानी का जिम्मा ओयन मॉर्गन लेते हुए नजर आएंगे। ये एक दूसरे की भूमिका को बदलने जैसा ही होगा। कोलकाता की टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में इस वक्त ये टीम चौथे पायदान पर काबिज है। पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 82 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। टूर्नामेंट के पहले मैच में भी टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 रनों से मैच अपना गंवा दिया था। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने अपने बयान में कहा कि हम भाग्यशाली थे कि हमारे पास दिनेश कार्तिक जैसा कप्तान है, जिन्होंने हमेशा अपनी टीम को सबसे ऊपर रखा। उनके जैसा व्यक्ति के लिए इस तरह का फैसला करने में काफ़ी हिम्मत होनी चाहिए। वेंकी मैसूर आगे बताते हैं कि हम जहां उनके फैसले से हैरान हैं, वहीं हम उनकी इस इच्छा का सम्मान भी करते हैं। केकेआर ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, उनमें से 4 में से जीत मिली है और 3 मुकाबलों में हार मिली है। उसकी टीम पॉइंट्स टेबल में 4th स्थान पर है। वहीं कार्तिक की बात करें तो उन्होंने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, 108 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 189 मैच खेले हैं। 19 अर्धशतकों की मदद से कार्तिक ने 3,762 रन बनाए हैं। दूसरी ओर ओयन मॉर्गन ने IPL इससे पहले तो खेला है, पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रुतबा और दबदबा है, वैसा IPL में अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ सके हैं। इस सीजन 2-3 मुकाबलों में मॉर्गन के बल्ले से रन निकले थे, साथ ही विश्व विजेता कप्तान का तमगा तो उन पर लगा हुआ ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे ओयन मॉर्गन KKR की इस विरासत को आगे संभालते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।